फ्रेंड्स, आज जो हमें करना है दैट इज़ सल्फोनिक एसिड। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने थायोल्स कर लिए थे, ठीक है, और थायो ईथर्स कर लिए थे। ठीक है, सल्फोनिक एसिड्स क्या होते हैं? वो एसिड्स जो क्या कंटेन करते हैं, SO3H ग्रुप कंटेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब ये एलिफैटिक भी हो सकते हैं, ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं एलिफैटिक की। तो अगर हम इनका नेमिंग करते हैं तो कैसे करते हैं, देखिए, मिथेन और ये सल्फोनिक है, तो मिथेन सल्फोनिक एसिड। ये क्या हो गया, आपको पता है ये टोलीन होता है, टोलीन सल्फोनिक एसिड। ये आपको ये क्या होता है, 3 ब्रोमो या फिर आप मेटा ब्रोमो भी लिख सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, इनकी नेमिंग होती है। ठीक है, आगे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो देखो इनके अंदर 3 ऑक्सीजन होते हैं, 2 और 1 3। दो ऑक्सीजन तो क्या होते हैं, डबली बॉन्डेड होते हैं सल्फर से, और एक ऑक्सीजन क्या कर रहा होता है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। तो ये क्या होता है इनका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाए सल्फर की, तो क्या है, देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहाँ पर सल्फर की, SP3 हाइब्रिडाइज्ड है हमारा क्या, सल्फर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी बना के देख सकते हैं कि ये SP3 और ये दो जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ यूज़ हो रहे हैं, पाई बॉन्ड बनाने में यूज़ हो रहे हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज़ होंगे, ये पाई बॉन्ड बनाने में यूज़ होंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा, SP3 और SP3 आपको बनाना आता है अच्छे से कि कैसे बनता है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ थायोल्स की, जो आपके थायोल्स हैं अगर आप उनका ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास, सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए सोडियम सल्फाइड एंड अल्काइल हैलाइड्स के साथ अगर हम रिएक्शन करवा दें, इसको हम बोलते हैं स्टैकर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या है, हम लेते हैं एक तो सोडियम सल्फाइड दैट इज़ Na2SO3, ठीक है, एंड अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब इनके आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाता है, सोल्ट मिल जाता है सल्फोनिक एसिड का। देखिए SO3H होना चाहिए था, यहाँ क्या आ गया, Na आ गया, तो क्या मिल गया हमें, सोल्ट मिल गया। ऐसे ही आप और रिएक्शन भी कर सकते हैं, लाइक थर्ड रिएक्शन भी कर सकते हैं आप सोडियम बाइसल्फाइड की, वो डायरेक्ट बोलेगा आपको कन्वर्ट प्रोपीन इनटू सोडियम प्रोपेन सल्फेट। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना, सोडियम ये रहा, प्रोपेन मतलब ये, सल्फोनेट का मतलब हो गया CH2SO3Na था यहाँ पर। ठीक है, सल्फाइड था, सल्फाइड से रिप्लेस होकर क्या आया, ये हमारा सल्फोनेट आया है। ठीक है, तो ये भी आप प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ये रिएक्शन परोक्साइड की। नेक्स्ट, अगर हम एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स की बात करें तो इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, अगर हम बेंजीन का डायरेक्ट सल्फोनेशन करवा देते हैं जिसको हम ओलियम बोलते हैं, तब क्या हो जाता है, यहाँ पर इस पोजीशन पर हमारा क्या है, जो है SO3 ग्रुप आकर लग जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है भाई, हो जाएगा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। आगे मैकेनिज्म देखिए सल्फोनेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मैकेनिज्म ऑफ सल्फोनेशन। तो जब वो सल्फोनेशन रिएक्शन करवाते हैं, मतलब SO3, ये क्या होता है, सबसे पहले तो SO3H एक न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है इसके अंदर, वो हमारा होता है SO3। ठीक है, तो SO3 जब हम रेजोनेंस बनाते हैं तो इसके वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं, जैसे आप यहाँ देख भी रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं, तो जो हम सल्फ्यूरिक एसिड लेकर चल रहे हैं उससे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, वो अटैक करेगी इलेक्ट्रोफाइल पे, कर दिया तो क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैच हो गया यहाँ पर तो पॉजिटिव आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव आएगा यहाँ, अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव आएगा यहाँ, तो इसने क्या हो गया, अब यहाँ पर ये जो कार्बन अनायन बना, इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि उसके वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, पॉसिबल है पड़े यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रांसफर होगा प्रोटॉन का, अब ऐसे ही HSO4 नेगेटिव आएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा और यहाँ बना देगा SO3 नेगेटिव, बना दिया। अब ये SO3 नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन से एक H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, सल्फोनिक एसिड की क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। कोई दिक्कत भाई, हाँ जी। नेक्स्ट, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि इनके सल्फोनिक एसिड्स की, पहले ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। क्यों होते हैं एसिडिक नेचर में, देखिए
अगर एसिडिटी, अगर ये एसिडिक होंगे नेचर में तो क्या होगा, ये इजीली से अपना ये जो एच पॉजिटिव है ये लूज कर देंगे, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, RSO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं सल्फोनेट अनायन। अब जितना ज़्यादा ये सल्फोनेट अनायन स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी और उतने ही जल्दी एच पॉजिटिव लूज हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक करेक्टर हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे सल्फोनिक एसिड है ये क्या करते हैं, एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, क्योंकि अपना एच पॉजिटिव आयन जल्दी से रिलीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। तो जब आप इसका रेजोनेंस बनाओगे, किसका, SO3 का, अभी हमने बनाया था ना पीछे, तो वहाँ पर क्या था, ये जो नेगेटिव चार्ज था वो 3 ऑक्सीजन पे ऊपर डिस्पर्स हो रहा था। इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा था, जिसकी वजह से ये जो सल्फोनेट आयन अनायन बना है हमारा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अगर ये सल्फोनेट अनायन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना फेवर करेगी, जिससे ये इजिली से अपना एच पॉजिटिव आयन लूज कर देगी और क्या है, एसिडिक करेक्टर शो करेगी। अगर हम यही सल्फोनिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंपेरिजन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में अनायन बनता है ये। अब इस अनायन में अगर आप देखो तो नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे डिस्पर्स है, लेकिन यहीं अगर आप इसके अंदर देखो सल्फोनेट अनायन के अंदर, तो तीनों के तीनों ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स है, जिसकी वजह से ये वाला जो रेजोनेंस है हमारा, मतलब ये सल्फोनेट अनायन जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिससे उसकी जो एसिडिटी है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कहेगा बताइए सल्फोनिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा एसिडिक करेक्टर शो करता है, एंड वाई। ठीक है, नेक्स्ट आप सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और क्या लग जाता है, सोडियम। इसका नाम देखिए, सोडियम ये टोलीन है, पैरा टोलीन सल्फोनेट, ये भी इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फंक्शनल डेरिवेटिव्स भी आप इसके बना सकते हैं। जैसे आप इसका यूज़ करके आप किस किस को प्रिपेयर कर सकते हैं, आप सल्फोनाइल क्लोराइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे, अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हैं PCl5 के साथ तो क्या हो जाता है, यहाँ पर POCl3 निकल जाएगा, एक HCl निकल जाएगा और यहाँ पर SO2Cl इसकी जगह क्या ग्रुप आकर लग जाएगा, Cl ग्रुप आकर लग जाएगा। सेम यहाँ पर होगा भाई, OH की जगह क्या लग जाएगा, Cl, और क्या बन जाएगा, बस ये पैराटोलीन है और इसको हम बोलते हैं सल्फोनाइल, वैसे तो सल्फोनिक होता है, तो सल्फोनाइल क्लोराइड हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई, सल्फोनाइल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रिप्लेस करके क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग लगी हुई है। आप एनाहाइड्राइड की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, जब आप दो मॉलिक्यूल को हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आपका एक ये AK और ये थ्रू ऑक्सीजन लिंकेज आपस में जुड़े हुए होंगे। सेम यहाँ पर आप सल्फा अमाइड्स की भी आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। सल्फोना अमाइड होते हैं भाई जो SO2 NH2 ग्रुप कंटेन करते हैं, उनको हम बोलते हैं सल्फोना अमाइड्स। तो आप इसका यूज़ करके किसके, इसके डेरिवेटिव का, जिसे SO2H था ना, H की जगह से ये ले लिया, अगर आप अमोनिनेशन करवा देते हैं, इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये H और एक Cl बाहर निकल जाएगा। दो थे ना यहाँ पर, देखो दो अमोनिया थे, तो एक अमोनिया का हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl, वो अलग हो गए, वो बना लिया NH4 उन्होंने। देखिए NH3 था, NH3 था, इस अमोनिया ने इससे एक हाइड्रोजन ले लिया, ये तो बन गया NH4, ये बन गया NH2, ये NH2 जाकर अटैच हो गया बेंजीन वाले उससे, और यहाँ पर ये क्या हो गया, SO2 NH2 ग्रुप क्या बन गया, ये सल्फोनामाइड होता है। देखो एक ये CO NH2 होता है, इसको हम बोलते हैं ओनली अमाइड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये SO2 NH2 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फोनामाइड बोलते हैं। नेक्स्ट आप क्या करवा सकते हैं, पूरे के पूरे सल्फोनिक ग्रुप को भी रिप्लेस करवा सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीसल्फोनेशन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जिसे आप डीसल्फोनेशन कैसे करवाएंगे, आप क्या करवाइए, हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए किसी भी मिनरल एसिड की प्रेजेंट में और हाई टेम्परेचर दे दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, जो है डीसल्फोनेशन हो जाएगा। और जब इस डीसल्फोनेशन का प्रोसेस देखा गया, ये डीसल्फोनेशन का प्रोसेस जस्ट अपोजिट है किसके, सल्फोनेशन के। देखो सल्फोनेशन में क्या हो रहा था, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था, यहाँ देखिए सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ये इसमें कन्वर्ट हो गया, उल्टा चल रहा है ना, अब ये H पॉजिटिव लेगा, ये वापस हाइड्रोजन यहाँ कर जुड़ जाएगा, अब यहाँ पर ये यहाँ बॉन्ड वापस अपना शिफ्ट करेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। आप SO3H को क्या है, OH ग्रुप से भी रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप क्या करवाएं, फ्यूज़न करवा दें इसका, किसका, सोडियम, ये जो हमारा सल्फोनिक एसिड है इसके सोडियम सॉल्ट का किसके साथ, NaOH के साथ,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओवन ए। और जब आप इसका फर्दर हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो यहाँ पर आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, फिनोल की। सिमिलरली आप इसको CN ग्रुप से भी रिप्लेस कर सकते हैं, सिमिलरली आप इसको NH2 ग्रुप से भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पर ये हमारा जो है सल्फोनिक एसिड्स वाला क्या होता है, फिनिश होता है। आप चाहे तो और भी आगे रिएक्शंस दे रखी हैं, 11th रिएक्शन ये भी कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पर क्या है बेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे BR साल तो मेटा पे ब्रोमीन लग जाएगा, नाइट्रेशन करवाएंगे, हेलोजिनेशन करवाया तो मेटा पे ब्रोमीन, नाइट्रेशन करवाया मेटा पे नाइट्रोजन, यहाँ पर मेटा पोजीशन पर ही लगता है। ठीक है, और यहाँ पर सल्फोनेशन करवाओगे तो यहाँ पर क्या है एक और सल्फोनिक एसिड ग्रुप आकर यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने सल्फोना अमाइड आपको बताया, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सल्फोनिक एसिड है दैट इज SO3H। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूँ SO2 लिख दिया और एक OH लिख दिया तो भी तो ठीक है। अगर मैं इस OH ग्रुप को किससे रिप्लेस कर दूँ, NH2 ग्रुप से, तो मेरे पास क्या बन जाता है, सल्फोना अमाइड्स बन जाता है, जिसको हम हमारे जो है मंडे के लेक्चर में क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू।